हेलो व्यूवर्स, आज हम आपको माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल में कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स और इंटरव्यू के क्वेश्चंस, कुछ मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस दे रहे हैं। उससे आप अपनी एबिलिटी को चेक करिए और एग्ज़ाम आने से डरिए मत। इस टाइप के बहुत ढेर सारे वीडियो हम बनाने वाले हैं, जिससे आप लोग की प्रिपरेशन हो जाए। सो लेट स्टार्ट। Following section consists of some important multiple choice question of Microsoft Excel with answer. Microsoft Excel के question answer के साथ है, आपको उसको click करना है। अगर उस option को click करने पर सही answer होगा तो वो दिखाएगा। What is the intersection of the column and row on the worksheet called? First check, A is column, B is value, C is address, D is cell. So, click and answer the question. If you don't know, just press the click and you will get the answer. Cell. जब दो लाइन आपस में क्रॉस करती हैं और एक बॉक्स बनाती हैं तो वो सेल होती है। What type of chart is useful for comparing values over categories? किस तरह का चार्ट कंपेयर करने पर कैटेगरी के लिए सही रहता? पाई, ए पाई चार्ट, बी कॉलम चार्ट, सी लाइन चार्ट, डी डॉट ग्राफ। एंड यू हैव टू चूज वन। एंड इफ यू डोंट नो, जस्ट प्रेस द क्लिक एंड यू विल गेट द आंसर। दिस इज द कॉलम चार्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, विच फंक्शन इन एक्सेल टेल्स हाउ मेनी न्यूमरिक एंट्रीज आर देयर? कौन सा ऐसा फंक्शन है एक्सेल में जो बताता कि कितने न्यूमरिक एंट्रीज आपने की है? ए इज नम, बी इज काउंट, सी इज सम एंड डी इज चेक नम। सो जस्ट क्लिक द करेक्ट आंसर एंड इफ यू डोंट नो, जस्ट प्रेस द क्लिक एंड यू विल गेट द आंसर काउंट। सो काउंट इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, अ फीचर दैट डिस्प्लेज ओनली द डेटा इन द कॉलम्स अकॉर्डिंग टू अ स्पेसिफाइड क्राइटेरिया is for, A is formula, B is sorting, C is filter and D is pivot. Features that display only data in a column. ऐसा फीचर जो केवल कॉलम में डेटा को डिस्प्ले करता है अकॉर्डिंग टू स्पेसिफाइड क्राइटेरिया। क्राइटेरिया मीन्स है कि जैसे आपने नाम पे पर्टिकुलर नाम को देखना है, जैसे ए से स्टार्ट होने वाले नाम है या बी से स्टार्ट होने वाले नाम है, या डेट पे आपने फिल्टर किया या डेट पे आपने कोई इन्फॉर्मेशन देखी या एज पे आपने कोई इन्फॉर्मेशन देखी, तो जिस फील्ड पे आप कॉलम को सेट करती हैं वो क्राइटेरिया कहलाता है। तो आई थिंक इट इज़ अ फिल्टर, जस्ट चेक इट। फिल्टरिंग इज द आंसर। एंड नेक्स्ट क्वेश्चन इज, statistical calculations and preparation of the table and graph can be done using Adobe Photoshop, Excel, Notepad or PowerPoint. Statistical calculation का preparation जो table में table को use करके graph किया जाता है, उसमें कौन सा software use होता है? Adobe Photoshop, Excel, Notepad and PowerPoint. So answer is Excel. So this way you can check your capability one by one by my quizzes. I will start to make the quiz for you to prepare your the exam. If you like my this video, then please run, share and subscribe and write in a comment your valuable ideas. Thank you, and please write in comment something about it if you want some improvement. Thank you viewers. If you like it, please share and subscribe.